हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक विश्व स्तरीय स्कूल विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। ये फॉर्म 25 अगस्त से 20 अक्टूबर 2023 तक भर करके जमा किए जा सकते हैं। तो ये फॉर्म मुझे मिल गए हैं। ये फॉर्म कैसे भरने हैं, कोई आप गलती ना करें। फॉर्म कौन भर सकता है, इनकी एज क्या होगी, परीक्षा कब होगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा कोई बिना गलती के, वो ढेर सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक बताएंगे इसके सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परीक्षा तिथि। तो इसकी परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा संपन्न होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हैं वो आपके ग्रामीण परिवेश से होने चाहिए। जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनकी जो इनकम है, जो आय है, कुल स्रोतों से 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए थी, अब बढ़ा दिया गया है, 2 लाख रुपए इसकी लिमिट कर दी गई है। तो जो स्कूल के शिक्षा मित्र हैं वो लोग भी इन फॉर्मों को भर सकते हैं, या जिनकी इनकम, अब आप समझ लीजिए, 2 लाख रुपए से कम है, वो सभी गार्जियन अपने बच्चों को इसमें बिठा सकते हैं। बच्चे चाहे परिषदी स्कूल के हों, मान्यता प्राप्त स्कूल के हों, या फिर निजी स्कूल के हों, सभी फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते एक जो नियम है उधर, कि वो ग्रामीण परिवेश से होने चाहिए। फॉर्म भरने के लिए 2 दस्तावेजों की जरूरत है, जो अभी आप बनवा भी सकते हो। सबसे पहला काम, गार्जियन जो आप अभिभावक हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट राजस्व विभाग से बनवा लीजिए, और बच्चों का स्थायी निवास आप बनवा लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। बस इतना ही इसमें लगना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड है तब भी फॉर्म भर सकता है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसे कैसे भरना है, फॉर्म में कोई गलती ना हो, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आइए आपको बताते हूँ। तो ये फॉर्म आपके सामने है, इसको कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ। आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले ये पता करना है कि अगर कोई लड़का है तो उसको फॉर्म भरने के लिए उसकी जो उम्र है वो 10 से 11 वर्ष के होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी आयु, एक जो उसकी जन्मतिथि है वो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2013 के मध्य होना चाहिए, या 1 अप्रैल और 31 मार्च 2013 भी सम्मिलित है। और अगर लड़की है तो उसको 1 साल की छूट दी गई है। उसकी जो आयु, जो उसका जन्मतिथि है वो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2012 होनी चाहिए। बस इतनी चीज़ें याद रखना। उसके बाद फॉर्म 2 प्रकार के होंगे, एक फॉर्म लड़कियों के लिए होगा और दूसरा फॉर्म यहाँ पर लड़कों के लिए है। तो आप लड़के और लड़कियों का फॉर्म देख करके लीजिएगा। लड़कियों का फॉर्म सफ़ेद और थोड़ा सा पीलापन है, यानी उसमें पीला थोड़ा है और ये थोड़ा पीला है, हल्का पीला है, ठीक है। ये लड़कियों का फॉर्म है, ये आपके सामने जो लड़कियों का फॉर्म हम दिखा रहे हैं, गर्ल्स का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गर्ल्स का फॉर्म है, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए ये फॉर्म यहाँ पर जी लिख करके मिलेगा, जी और उसका आवेदन संख्या। लड़के का होगा तो यहाँ पर वो थोड़ा सा आपका नीले रंग का है, यानी वो नीला फॉर्म होगा और नीला फॉर्म पे बी लिखा होगा और फार्म का क्रमांक या रोल नंबर लिखा होगा। इसके बाद फोटो की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी 2 फोटो बच्चे की लगती हैं, दोनों फोटो 3 माह से पुरानी ना हो। इसका मतलब है कि जब भी आप फोटो खिंचाएं तो उसमें लिखा कि फोटो के ऊपर जन्म, वो आप जिस दिन खिंचाएं उसको मुद्रित हो। ये देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ आवेदक का नवीनतम अधिकतम 3 माह पुराना फोटो जिस पर तिथि मुद्रित हो, यानी उस पर तिथि भी लिखा होना चाहिए किस तारीख को ये फोटो खींचा गया है। तो फोटो यहाँ पर उस बच्चे की लगेगी, और जो फोटो लगेगी, फोटो के ऊपर आपका जो अभिभावक होंगे, अभिभावक याद रखना है, यानी अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ पर, ये देखो लिखा है फोटो के ऊपर अभिभावक का हस्ताक्षर करना है,
चलिए मैं फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ। मान लेते हैं कोई एक लड़की है जिसका नाम है पायल, तो आवेदक का नाम पायल है, बालिका है यानी लिंग। यह फॉर्म विषम परिस्थितियों में, अगर आप, बहुत से लोग पूछेंगे मुझे फॉर्म नहीं मिला तो क्या करेंगे, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरा नंबर है 7651848251। तो यह फॉर्म हम आपको भेज देंगे सादा, तो आप उसको फोटोकॉपी करा करके भी ये फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि फॉर्म जो है ये निजी स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों में नहीं मिल पाते हैं, तो वो लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकी जो वेबसाइट है वो है vidyagyan.in, इस पर जाकर भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी फॉर्म वहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये परिषदीय विद्यालयों में ब्लॉक और जिले पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था, बच्चे का नाम आप लिख लेंगे, बालक है कि बालिका वहां पर आप टिक कर देंगे, और अगर आवेदक के पास जो बच्चा है उसका यहाँ पर अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा देंगे, नहीं अगर आधार कार्ड बना है तो अपने स्कूल से प्रिंसिपल से एक प्रमाण पत्र लिखवा लेंगे, जिसमें ये तस्दीक आप करेगा कि प्रमाणित किया जाता है ये कि बच्चा, उसका नाम, पिता का नाम, ग्राम, तहसील, ब्लॉक का निवासी, जो कि कक्षा फला फला में हमारे यहाँ अध्ययनरत है, यानी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो ये भर देंगे। उसके बाद इस फॉर्म को भरने में थोड़ी सी बिल सबसे अलग है, फिर बच्चे का आपको लिखना होगा जन्म तिथि, तो आप यहाँ पर जन्म तिथि, चूँकि लड़की है, 1/7/2013, जो कि दिए गए, जिनका फॉर्मेट दिया है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच हो, वो बीच में है, बच्ची फॉर्म भर सकती है। और 31 मार्च को इसकी आयु कितनी होगी, तो आप 31 जो है 3/2024 से यहाँ से आप 01/2007/2013 घटाकर यहाँ पर आप लिख देंगे, और देख लेंगे कि लड़की की उम्र 10 और 11 के 12 के बीच आ रही है, तो आप फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद बच्चे के पिता का नाम क्या है, यहाँ आप पिता का नाम भर देंगे, उस बच्चे, जो बच्ची है पायल, उसके पिता का नाम गौरव सिंह है, और गौरव सिंह के पिता यानी जो बच्चे के दादाजी हैं उनका नाम है सत्य प्रकाश, तो यहाँ से उनका नाम लिख लेंगे। उसके बाद पिता की, पिता कितना पढ़े हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, अनपढ़ है, हाई स्कूल है, कक्षा 5 है, इंटर है, BA MA जो भी है वो आप यहाँ पर भर देंगे, और वो वर्तमान समय में कौन सी चीज़ करते हैं, अगर वो कृषि करते हैं तो कृषि, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी, या फिर कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय है तो आप यहाँ पर उसको भर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और, आपको आवेदक यानी बच्चा, उसकी माता का नाम क्या है, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर लोग करते हैं, पुत्री, तो जो बच्चा है उसके नाना का नाम क्या है, यानी जो उसकी माँ है उसके माँ के पिता का नाम क्या है, उनका रामेश्वर दयाल है, तो हमने यहाँ पर रामेश्वर दयाल कर दिया है। और माँ कितना पढ़ी लिखी है, उनकी शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 है, वो आप भर लेंगे। वो काम क्या करती हैं, शिक्षिका हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, गृहिणी है, या मजदूरी करती हैं, या कोई कृषि कार्य में संलग्न है, तो आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें विद्यालय का नाम, तो मैंने विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय नगरा, और यहाँ पर आप चाहें तो अपना जिला भी मेंशन कर लेंगे, चूँकि परिषदीय विद्यालय है तो आप यहाँ पर राजकीय में टिक कर देंगे, वरना आप निजी कर देंगे। मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है गाँव में स्थित, बच्चा उसमें पढ़ रहा है, तो आप बेशक फॉर्म भर सकते हैं। क्या वर्तमान शिक्षण संस्था का पता आपके स्थायी आवास या जनपद से भिन्न हो तो विवरण प्रदान करें। अगर वो बच्चा जिस जिले में आप रहते हैं अगर वहाँ का नहीं है तो आप उसका भी पता वहाँ पर, यहाँ पर वही दर्शाएंगे जहाँ बच्चा पढ़ता है। अब बात करेंगे उसके मूल निवास और स्थायी जनपद का पता। पता आपको लिखना है, गाँव का नाम है इसका बच्चे का नगरा, इसका पोस्ट ऑफिस है कचोरा, और विकास खंड है अछनेरा, और इसकी तहसील है किरावली, और जिला है आगरा, और उसका पिन कोड है 22307। तो आप अपनी पता जो आपका है वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। अगर माता पिता दोनों नहीं है तो वहाँ पर आप यहाँ पर संरक्षक के तौर पे देना चाहें, उसका नाम,
आपको देना रहेगा, लिखा है यदि माता पिता संरक्षक नहीं है। मान लिया कोई बच्चा अपने नाना के घर रह रहा है, तो आप यहाँ पर विद्यार्थी के संरक्षक से उनका नाम लिख देंगे, उनके नाना का नाम, और नाना किसके पुत्र हैं, अपने नाना अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर उनका विद्यार्थी से क्या संबंध है, उसका नाती है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। आगे आवेदक का जो टेलीफोन नंबर है, मैं फिर आपको बता दूं, टेलीफोन नंबर या जो मोबाइल नंबर होगा वो बिल्कुल आप सही भरिएगा। बच्चे का जब सिलेक्शन होता है तो मोबाइल नंबर बहुत काम आता है, तो कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर न दे जो बदलने वाला हो। अगर यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड है, सॉरी अभी यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, या भर देंगे, उसके बाद ये उसका फोन नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पर किसी एक में लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड, किसका, अभिभावक का चाहिए, ना कि बच्चे का। तो बच्चे का ये हमारा हमने लिख दिया यहाँ पर कि उसका। और हाँ, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि अंग्रेजी में कौन कौन चीज़ें भरनी है। जो बच्चे की जन्मतिथि थी वो आपको अंग्रेजी में भरनी है, जैसे कि देखिए मैंने उसकी भरी है 1/7, ये नहीं आपने 1 हिंदी में लिख दिया, फिर 1/7/2013 हिंदी में, फॉर्म पूरा हिंदी में भरा जाएगा, लेकिन दो तीन चीज़ें कौन, जन्मतिथि, आधार कार्ड के अंक और जो बैंक का डिटेल आपको भरना होगा ये अंग्रेजी में भरना है, बाकी हर चीज़ आपको हिंदी में यहाँ पर भरनी होगी, ये भी बताना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आप आगे यहाँ पर देखेंगे, आप अंक भी जो भरेंगे, टेलीफोन नंबर, ये भी आपको अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग करना है, आधार कार्ड जो अभिभावक का है, जो पिता का है, संरक्षक का है, वो यहाँ पर भर देना है, और उनका नाम अंग्रेजी में जैसा कि उसके बैंक में लिखा है, गौरव सिंह, अगर स्पेलिंग जो भी हो, जो बैंक में लिखी आपको वही लिखनी है, GOO है तो ओ भर देंगे, यू है तो यू भर देंगे, और शाखा क्या है, किरावली है, वो भी अंग्रेजी में भर देंगे, और IFC कोड भी आपको जैसा IFC कोड उसमें लिखा होगा अंग्रेजी में वो यहाँ पर भर देंगे। ये इसलिए भराया जाता है कि जब आप सेकंड पेपर देने जाते हो, जहाँ बुलाते हैं, तो उसका पूरा खर्चा आपके बैंक में दो लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। भरा हुआ फॉर्म आपको जब भी भरने जाओगे, जब जमा करोगे, तो यहाँ पर एक प्राप्ति यानी दिनांक भर देगा, और आपको ये वाला फॉर्म और हस्ताक्षर मोहर लगा के आपको दे देगा। आपने यहाँ पर क्या क्या लगाया है वो चीज़ें आप यहाँ पर भर लेंगे, और भरने के बाद ही ये फॉर्म आप जो है जमा होगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आपका प्रवेश पत्र, वो कैसे भरा जाएगा आइए देखते हैं। ये प्रवेश पत्र आप ही को भरना होगा, चाहे गार्जियन भरे या फिर आप अध्यापक से भरवाइए, सबसे अच्छा रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सत्र पड़ा होगा और यहाँ पर ये रोल नंबर पड़ा होगा बच्चे का, अनुक्रमांक, और अगर कोई बच्चा बाहर से फॉर्म भरता है, फोटोकॉपी लगाता है, तो वो जिस समय फॉर्म अपने ब्लॉक में यानी BRC पे भरेगा, ठीक, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे, तो वहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करेंगे, वो यहाँ पर एक मेंशन कर देंगे, अगर नहीं मेंशन करते तो जिला से मेंशन होके आपको आ जाएगा। तो बच्चे का आपको नाम भर देना है, जन्म तिथि भर देनी है, पिताजी का नाम भर देना है, पिताजी के पिता का नाम भर देना है, पता भर देना है, ग्राम भर देना है, पोस्ट ऑफिस, विकास खंड, तहसील, जिला, और उसका जो कोड है यानी पिन कोड वो आपको भर देना है, और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे भर देना रहेगा। और अगर परीक्षार्थी जो बच्चा है, अगर उसका आधार कार्ड है, तो आप आधार नंबर यहाँ पर जरूर भर देंगे। यहाँ पर आप स्कूल का नाम भर देंगे, यहाँ पर भी एक आपको फोटो बच्चों लगानी होगी, बच्चे की, जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो पर डेट लिखी होनी चाहिए। यहाँ पर जो फोटो लगेगी उसके ऊपर अपना अभिभावक ऐसा हस्ताक्षर अपना मान लिया करेगा, जैसे गौरव सिंह है, तो ऐसा अपना वो फॉर्म पे जो फोटो लगाने के बाद करेंगे, जिससे उसके मुँह पर न जाए लेकिन तिरछे जाए, जिससे उस फोटो पे क्रॉस साइन आपको करना है। उसी के नीचे यहाँ पर विद्यार्थी परीक्षार्थी अपने साइन करेगा, और यहाँ पर अध्ययनरत जो विद्यालय है वहाँ पर प्रिंसिपल के आपके साइन होंगे, जो प्रधानाध्यापक साइन करेगा, और यहाँ पर अपनी मोहर को लगा देगा, और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी
अपनी मुहर लगाएगा। परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में होगा और जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा वो यहाँ पर आपको मुहर लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये तो था फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो फॉर्म जब भी भरें निश्चित तौर पे ये कॉल लेटर आपका जमा हो जाएगा या आपके पास ही रहेगा। तो जब भी बच्चा ये परीक्षा देने जाए एक चीज बहुत ध्यान रखे, अगर उसका बाय द वे रोल नंबर ना भी मिले तो यहां पर एक आपको ओएमआर सीट नंबर आएगा, वो बच्चा जरूर भर ले और नोट कर ले। अगर ये जमा हो जाता है उसी से अपना रिजल्ट आप देख सकते हो। और जब भी जो भी फॉर्म भरेंगे जो भी कागजात लगाएंगे उन सबकी फोटो कॉपी जरूर कराइएगा। बिना फोटोकॉपी जमा, बिना फोटोकॉपी अगर जमा कराए आप जमा कर देते तो आपके लिए आगे आने वाले दिन अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है बहुत कठिनाई होगी। सारी फॉर्म की फोटोकॉपी आपसे मांगी जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं उन सबको आप अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। अब बात करेंगे तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर 300 वीडियोस अपलोड हैं, 100 वीडियो भी और अपलोड होंगे इसके माध्यम से, या फिर हमारा एक ऐप है जिसका नाम है RNB Study, RNBSTUDY, RNB Study। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से डाउनलोड कर लेंगे और इसमें आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। या फिर हम लोग 8 बजे से लेकर 9 बजे क्लास होती है ऑनलाइन, इस पर भी आप जुड़ कर के तैयारी कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, क्योंकि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास सीधे सीधे सितंबर अक्टूबर और नवंबर केवल 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी करनी है। क्योंकि आपको यह भी बता दूं यहाँ पर जो पेपर होगा वो आपका हिंदी का पेपर आएगा, हिंदी होगी, इंग्लिश भी होगी, आपकी मैथ्स यानी गणित भी होगी, आपका जो है इसमें जीके रीजनिंग भी होगी, यानी आपको रीजनिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी और आपका जीके भी होगा। इतने सेगमेंट आपको जो है करने रहेंगे। कक्षा जो 5 की बुक्स हैं उन जो परिषद विद्यालय की उनको तो तैयार करना ही है, उनके साथ साथ हो सके तो आप अगर ले सकते हैं तो NCERT बुक्स लेकर के तैयारी कराएं। क्योंकि विश्व स्तरीय स्कूल से तो इसकी परीक्षा काफ़ी टफ होती है, पेपर केवल और केवल हिंदी में आता है, इंग्लिश में पेपर नहीं आता। बाकी मैं आपसे लगभग दूसरे तीसरे रूबरू होता रहूंगा जिसमें आपको दिन प्रतिदिन नई वीडियो एक एक जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।